लीजिए दोस्तों, मैं बर्तन धो के आ गया। वो भी यूं ही नहीं, बर्तन को अच्छे से धोना पड़ा है, अच्छे से घिस घिस के धोना पड़ा है, क्योंकि पत्नियों की तो आदत है ना, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुमने ये अच्छे से नहीं किया, तुमने देखो यहाँ पे दाग लगा हुआ है। भाई पत्नियों का जो भी काम करो बहुत ही ढंग से करना पड़ता है। तो मैं भी अपनी पत्नी का जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, मैंने वो करके आ गया। लेकिन दोस्तों, ये कोरोना वायरस महामारी जब से चल रही है, ये हम सिर्फ ऑर्डर ही झेल रहे हैं पत्नियों का। 24 घंटा घर में रह रहा हूँ, पत्नी के आगे पीछे घूम रहा हूँ, और सिर्फ घूम रहा हूँ किसी और कारण से नहीं, सिर्फ काम, ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया। पत्नी तो बस जैसे हमको वो सर्वेंट जो उसके चले गए हैं, हमको उसमें अपना पूरा रूप, अरे वो तो ऐसा करती थी, वो तो ऐसा करती थी, तुम कैसा कर रहे हो, तुम्हें ढंग से नहीं कर रहे हो, तुमने कपड़े ढंग से धोए नहीं। पत्नियों ने पूरा सर्वेंट्स का सारा जॉब आपको दे दिया है, और वो भी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आप ढंग से नहीं कर सकते तो पत्नियों की सुनो आप। लेकिन चलो, पत्नी है, अपना घर है, अपना परिवार है, सब कुछ है, सभी पति बेचारे खुशी खुशी कर रहे हैं कि भाई अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, ये है, खाना पीना, माँ बाप सब, पति बड़े खुशी से सब कुछ कर रहा है। लेकिन पति खुशी से कर रहा है, पति की बेचारे की कुछ एक्सपेक्टेशन भी होती है। जो पति आध घंटे बाहर रखे काम करता था, पत्नियों को जो प्यार मिलता था, वो तो 24 घंटे रह के साथ में नहीं मिल रहा है। पति दिन भर काम करके खाली होकर के जब बीवी के पास जाता है, तो बीवी बोलती है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। सुना नहीं मोदी जी ने कहा है 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। लो, पति पत्नी के प्यार के बीच में 21 दिन का लॉकडाउन, पत्नियों ने तो उसको झंडा बना लिया है ना। मोदी जी ने बोला है 21 दिन का लॉकडाउन, तो लॉकडाउन दूरी बना के रखो, पति पत्नी प्यार नहीं कर सकते, 21 दिन का लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अरे यार, ये महामारी नहीं, ये कोरोना वायरस महामारी बन के क्या आई है, पत्नियों के ऊपर आफत बन के आ गई है। एक तो बेचारे 8 घंटे 12 घंटे काम करके बाहर आते थे, और आप 24 घंटे घर में काम कर रहे हैं, ऊपर से पत्नी का प्यार भी नहीं मिल रहा है, ये क्या है। अरे चाय बना दो। हाँ हाँ, आ रहे हैं। लो, चाय बनाने का ऑर्डर आ गया, अब इनके लिए चाय बनाओ। हाँ हाँ, चाय बनाएंगे, उनको भी पिलाएंगे, हम भी पियेंगे, लेकिन चाय के साथ साथ थोड़ा इनको अकल भी दो कि पत्नियों के बीच में लॉकडाउन मत रखो। पतियों के बीच में तो प्यार, पति पत्नी के बीच में तो प्यार आना चाहिए, मोहब्बत आना चाहिए, ये लॉकडाउन नहीं आना चाहिए। शायद शादी के बाद पहली बार आप दोनों को साथ रहने का इस तरह से इतना लंबा मौका पहली बार मिल रहा हो, तो आप इस मौके को खुशी खुशी जियो। ये झाड़ू पोछा बर्तन कई सब छोटा मोटा काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर पति को अपना पत्नी का हाथ बढ़ाना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर का रौनक अलग ही होता है। तो मैं तो ये खुश हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ, मैं अपनी पत्नी का, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, और उनके साथ में मतलब कि एक नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है। तो मैं उन पति पत्नियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ये चाय बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू करना, ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने खुद के घर के लिए कर रहे हो। और आप अपने खुद के घर के लिए कर रहे हो तो आपके अंदर एक अच्छी खुशी होनी चाहिए, एक चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक लालिमा होनी चाहिए। लेकिन पति पत्नी के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए, नज़दीकियाँ होनी चाहिए। सो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।